Now, students, in the second part of the video of English Literature, Chapter 1, Wonder, from Section 1, again we will start. Now, here the lines are given. I can't say I always wanted to go to school because that wouldn't be exactly true. यहाँ जो बच्चा है ऑगस्ट वो कहता है कि ये कहना सही नहीं होगा कि मैं हमेशा स्कूल जाना चाहता था. What I wanted was to go to school, but only if I could be like every other kid going to school. अब वो ये आगे कहना चाह रहा है कि मैं ये कहना चाहता कि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ अगर मैं और जो नॉर्मल बच्चे होते उनके जैसा होता तो. Have lots of friends, मेरे बहुत सारे दोस्त होते. And hang out after school, और स्कूल के बाद दोस्तों के साथ काफ़ी मस्ती करता. And stuff like that, और भी जो ordinary बच्चों के साथ में जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी स्कूल लाइफ की जो भी चीज़ें होती हैं वो सारा कुछ मैं करता. Summer, यहाँ सेकेंड कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है. Summer, weird kids. Some kids have actually come out and asked me why I hang out with the freak so much. कुछ बच्चे जो हैं वो actually बाहर आते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत समय क्यों गुजारता हूँ, बहुत टाइम तक मैं ऐसे बच्चे के साथ. फ्रेक का मतलब यहाँ है यार someone who is considered strange because of the way they look. कोई व्यक्ति जो कि स्ट्रेंज माना जाता है, अजीब माना जाता है क्योंकि वो अजीब सा दिखता है, तो लोग उसे थोड़ा अजीब तरीके से लेते हैं. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा है कि कुछ बच्चे जो हैं वो आते हैं, बाहर निकलते हैं और अक्सर पूछते हैं समर से कि तुम उस बच्चे के साथ इतना ज़्यादा टाइम क्यों स्पेंड करते हो. These are kids who don't even know him well. ये वो बच्चे हैं जो कि यहाँ आके सवाल करते हैं, जो कि जो यहाँ ऑगस्ट बच्चा है इसे अच्छे से जानते भी नहीं है. If they knew him, अगर वो जानते, they wouldn't call him that, तो वो उसे इस तरीके से ना बुलाते. Because he is a nice kid, चूँकि वो बहुत ही अच्छा बच्चा है. I always answer, मैं हमेशा आंसर देता हूँ. And don't call him that, और उसे इस तरीके से मत बुलाओ. You are a saint, Summer. तुम एक संत हो, Summer. Jimena Chin said to me the other day. दूसरे दिन Jimena Chin जो है वो कहती है Summer से कि तुम एक संत हो. I couldn't do what you are doing. मैं वो नहीं कर सकती जो तुम कर रहे हो. It's not a big deal. ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा वैसी बात नहीं है. I answered her truthfully. मैंने सच्चाई से, ईमानदारी से उसे आंसर किया. Julian had nicknamed him the zombie kid. Julian जो है उसने उसे घरेलू नाम, जो आपका घर में पुकारने वाला जो निकनेम होता है, वो नेम एक दे रखा था, zombie kid. And that's what everyone was calling him. और यही सभी लोग उसे बुलाया करते थे. Did you see the zombie kid yet? क्या तुमने अभी तक zombie kid को देखा है? Stuff like that gets around fast. ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं वो जल्द ही आसपास सुनने को मिलती हैं. And August knew it. और August इसे जानता था. It's hard enough being the new kid even when you have a normal face. ये बहुत ही मुश्किल होता है कि आप एक नए बच्चे हो बनो जबकि आपके पास नॉर्मल फेस है. Imagine having his face. आप इमेजिन करो, कल्पना करो कि अगर आपके पास भी इस तरीके का फेस हो तो एक नॉर्मल फेस वाले व्यक्ति की तरह, एक नए इंसान की तरह बन जाओ. ये बहुत मुश्किल होता है. He is just a kid. वो एक बच्चा है. The weirdest मतलब अजीब होता है. The weirdest looking kid, बहुत ही अजीब दिखने वाला बच्चा है. I have ever seen, अभी तक मैंने कभी भी इतना अजीब दिखने वाला बच्चा नहीं देखा था. Yes, हाँ, but just a kid, लेकिन फिर भी वो एक बच्चा ही तो है. I do admit, मैं भी इस बात को मानता हूँ. August face takes some getting used to. August का जो face है वो देखने में used to होना. I do admit August face takes some getting. कुछ समय लगता है कुछ लोगों को उसके फेस को देखने का आदि बनने में. I have been sitting with him for 2 weeks. मैं 2 हफ्ते से उसके साथ बैठ रहा हूँ now. And let's just say he is not the neatest eater in the world. और अब मैं ये कह सकता हूँ कि वो सबसे साफ सुथरे तरीके से खाने वाला व्यक्ति पूरे संसार में है. But other than that, लेकिन इसके अलावा भी he is a pretty nice. वो काफ़ी प्यारा है, काफ़ी अच्छा है. I should always say that I don't really feel sorry for
हिम एनीमोर। और मुझे ये कहना, ये मैं कह सकता हूँ कि मुझे कोई सॉरी नहीं महसूस होती, मुझे बुरा नहीं लगता कि उसको कुछ भी सॉरी बोलना। आई डोंट फील सॉरी फॉर हिम एनीमोर। और अब मैं उसके लिए सॉरी नहीं फील करता हूँ, मतलब दुख नहीं फील करता हूँ कि उसका ऐसा फेस है या किस भी तरह, क्योंकि अब यहाँ जो समर नाम का कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इसके इनर क्वालिटी से प्रभावित हो चुका है बच्चे के। आई कीप सिटिंग डाउन विथ हिम बिकॉज ही इज़ अ फन। मैं उसके साथ बैठता हूँ, टाइम गुजारना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसके साथ बैठना जो है वो काफ़ी फन भरा होता है, काफ़ी मस्ती से भरा होता है। आई हैड वॉर्न्ड मॉम, मैंने माँ को चेतावनी दी थी अबाउट ऑगस्ट फेस, ऑगस्ट के फेस के बारे में। आई हैड डिस्क्राइब्ड व्हाट ही लुक लाइक, मैंने डिस्क्राइब किया था, मैंने बताया था माँ को कि वो कैसा दिखता है। आई डिड दिस, मैंने ऐसा किया बिकॉज आई नो शी इज़ नॉट ऑलवेज सो गुड एट फेकिंग हर फीलिंग, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने फीलिंग को छुपाने में और अपने भावनाओं को छुपाने में हमेशा अच्छी नहीं रहती है। एंड ऑगस्ट वॉज कमिंग ओवर फॉर द फर्स्ट टाइम टूडे, और ऑगस्ट पहली बार घर आने वाला था। बट आई कुड टेल फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, लेकिन उसके लेकिन जो एक्सप्रेशन फेस पे होता है माँ के, उसके फेस के एक्सप्रेशन को देख के माँ के मैं कह सकता हूँ, व्हेन शी केम होम, जब वो घर आई आफ्टर वर्क, घर काम पर से घर लौटी, दैट आई हैडंट प्रिपेयर्ड हर इनफ, कि मैं अभी तक अपनी माँ को मेंटली बहुत ही ज़्यादा तैयार नहीं कर पाया था इस चीज़ के लिए कि कैसे वो अगस्त को फेस करे। शी वॉज शॉक्ड, वो काफ़ी शॉक्ड थी, व्हेन शी केम थ्रू द डोर, जब वो दरवाजे के पास आई, दरवाजे से आई, एंड सॉ हिज फेस फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार जब उसका चेहरा दिखा। हिज मॉम, हाय मॉम, दिस इज ऑगी, कैन ही स्टे फॉर डिनर, आई आस्क्ड क्विकली, मैंने बोला मॉम ये ऑगी है, क्या ये डिनर के लिए रुक सकता है। सो वी हैव कम्प्लीटेड अप टू दिस पार्ट इन दिस वीडियो, अगेन वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।